सिवान में रविवार सुबह 9 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बस और ट्रक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे में कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामला सिवान जिले के सिवान सीतलपुर SH 73 पर स्थित बंसतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गाँव के समीप घटी। सभी घायलों को स्थानीय पुलिस और लोगों के सहयोग से आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है। वही घटना के बाद काफी देर तक सिवान सीतलपुर SH घंटों बाधित रहा। मौके पर थाने की पुलिस रेस्क्यू में लगी हुई है। बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं हादसे में घायलों की पहचान माझागढ़ की रहने वाली पुनीत कुमार की पत्नी करीब 28 वर्षीय अनुराधा देवी, महाराजगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव की रहने वाले रामदेव तिवारी के 32 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र तिवारी, छपरा जिले के तरैया के भलुआ गाँव के रहने वाले गणेश रावत का 26 वर्षीय पुत्र नकुल रावत, गोपालगंज जिले के सिधवलिया के रहने वाले हरदेव यादव का 24 वर्षीय पुत्र बुलेट यादव, गोपालगंज जिले के मीरगंज के रहने वाले नायज खां की पुत्री आयशा खां समेत करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। कोहरे की वजह से ये भिड़ंत हुई। दोनों वाहन चालक अनियंत्रित हो गए और साइड लेने के दौरान दोनों आपस में टकरा गए। घटना के बाद बस के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए, जिसमें बैठे करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना में चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सिवान सदर अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही सिवान सदर अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट हो गया। मौके पर सिवान सदर अस्पताल से भी कई एम्बुलेंस पहुंचकर घायलों को सदर अस्पताल लाने की कवायद शुरू कर दी है। स्थानीय समाज सेवी श्रीनिवास यादव लोगों का इलाज कराने में जुटे हुए हैं। बस में थे और गाड़ी ट्रक थे, ट्रक आके टक्कर मार। क्या लगता है कितने लोगों को लगा है? तकरीबन 15 लोग से ज्यादा लोग घायल। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम पटना जा रहे थे और इस दरमियान जो है अचानक से जो है गाड़ी जो है ट्रक से टकरा गई। कुछ लोग हैं जिनके पैर भी टूट गए हैं, पैर और ड्राइवर को भी काफी चोट आया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जाबाज है। घर कहाँ है? घर मेरा मीरगंज है। मीरगंज जी। क्या नाम बताए अपना? जाबाज अहमद खान। ठीक।